हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जाने लगा हूँ अभी नींद की तरफ। सुबह सुबह रेडी होके निकलता हूँ नींद की तरफ, क्योंकि हमारे क्या है कि एक दिन का जागरा है, जो हमारा मंदिर है वहाँ पे जागरा है, तो उसके लिए रोड प्राइस लेके जा रहा हूँ मैं अभी। तो ये देना है वहाँ पर, तो अभी निकलता हूँ फटाफट। तो आज गाँव में शादी भी है, तो शाम को मैं शादी में भी जाऊँगा, और अभी जाता हूँ नींद और फटाफट वहाँ से ये रोड प्राइस दे के आता हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, अभी जाता हूँ और रोड प्राइस देके फटाफट से वापस आ जाता हूँ और फिर निकलता हूँ घर की तरफ। सुबह हो चुकी है और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो रोड प्राइस देके मैं वापस आ चुका हूँ, अब निकलता हूँ घर की तरफ। और यह मेरी गाड़ी, अब निकलने लगा हूँ मैं घर की तरफ। तो ये है जुब्बड़, अभी मैं पहुँचा हूँ जुब्बड़ की मार्केट, थोड़ी शेव वगैरह करवाने को है, तो शेव वगैरह करवा लेता हूँ और फिर निकलता हूँ घर की तरफ। बाकी आपको दिखाता हूँ जुब्बड़। कुछ इस तरीके से है आपका जुब्बड़, अभी बंद है और थोड़े टाइम बाद मार्केट खुल जाएगी। जो बार्बर है वो खुला है, तो अभी करवा लेता हूँ मैं कटिंग। तो कटिंग मैंने करवा ली है, अब मैं निकलने लगा हूँ घर की तरफ, और अब चलते हैं घर की तरफ। और मौसम खुल चुका है, काफी बढ़िया धूप लगी है। काफी दाढ़ी बढ़ चुकी थी मेरी, तो इसलिए मैंने कटिंग करवा ली। अब निकलने लगा हूँ घर की तरफ, और शाम को जाना है शादी में, और दिन भर करना है ऑफिस का काम, और ऑफिस का काम करने के बाद निकल जाएंगे शादी में और करेंगे डांस और एंजॉय करेंगे पूजा की शादी को। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और 10 बजने को है, 9:30 हुए अभी, और थोड़ी देर में ऑफिस शुरू हो जाएगा, फिर करेंगे ऑफिस का काम। तो मैं ऑफिस का काम कर रहा था और लाइट ही चली गई, तो अब धूप सेकने आया हूं। और ये देख सकते हैं आप खूबसूरत नज़ारा, हर बार मैं आपको ये नज़ारा दिखाता हूं, क्योंकि मैं इस नज़ारे को जितनी बार देखता हूँ उतनी बार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इंतज़ार कर रहा हूँ लाइट का, जब लाइट आएगी तो मैं ऑफिस का काम करने लग जाऊँगा, और शाम को पूजा की शादी में भी जाना है। और शादी के दौरान अगर ऐसे लाइट चली जाए तो बहुत बुरा लगता है, तो जनरेटर ज़रूरी है शादी के लिए। तो जब तक लाइट नहीं आती है तब तक कर लेते हैं थोड़ा काम। यहाँ पे कुछ लगाया हुआ था, तो इनको निकाल लेते हैं, और यहाँ पे भाई साहब भी लगे हैं अपने काम में, और मैं भी लग जाता हूँ उनके साथ। तो मैं फाइनली शादी में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, अभी चावल वगैरह दे रहा हूँ। और यहाँ पे ठंड से अकड़े हैं लोग, तो अभी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पहाड़ों में शादियों के लिए खाना बनाया जाता है, और इस तरीके से इनको टोकने कहा जाता है। तो ये है कुछ ओपन रसोई,
और हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरीके से खाना बनाया जाता शादियों में। अरे हमारे चाचू जी कैसे हैं? आग सेक रहे हैं, ठंड का सीजन है, आग सेकना भी जरूरी है। तो फाइनली अब मैं शादी से वापस आ चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।